नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खरगोन जिले के ग्राम श्रीगांव में आनंद विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय अल्पविराम कार्यक्रम जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशानुसार आनंद अल्पविराम कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला नोडल अधिकारी इतिशा जैन ने कहा कि तनाव मुक्त जीवन हेतु आनंद गतिविधियों से जीवन में बदलाव आएगा। शुभारंभ अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, राजेंद्र मंडलोई, मुकेश पटेल, हावसी लाल पाटिल, राकेश पटेल, सोहन पाटीदार, पत्रकार संजय जायसवाल, दीपक गुप्ता उपस्थित थे। आनंद अल्पविराम परिचय कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायत विभाग और अशासकीय महिला पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन्हें मास्टर ट्रेनर द्वारा तनाव मुक्त एवं आनंद से रहने के विभिन्न टूल्स गतिविधियों से प्रशिक्षण दिया। आनंद पूर्वक कार्य करने से हमारा कार्य बेहतर होता है और हमें संतुष्टि मिलती है। चाहे घर का काम हो या ऑफिस का, उसे पूर्ण ईमानदारी से करने से और समय पर पूरा करने से ही हमें आनंद मिलता है। इसलिए हर कार्य को आनंद पूर्वक करना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे पंजीयन पेन डायरी पंपलेट वितरण व दीप प्रज्वलन किया। मास्टर ट्रेनर के बी मंसारे ने आनंद विभाग का वीडियो दिखाकर राज्य आनंद संस्थान का परिचय दिया। आनंद की ओर से सेशन के माध्यम से जीवन में आनंद का घटना बढ़ना और पर विचार लिए, धन्यवाद देने की माफ़ी मांगने, माफ़ करने से तनाव मुक्ति एवं आनंद का संचार करने के तरीके बताए। मास्टर ट्रेनर नारायण फरकले ने 4 प्रश्नों के माध्यम से मदद और दुख संबंधी घटनाओं की शेयरिंग दी। हमारे अंतर नफरत को क्रोध बुराई जलन बदले के भाव जैसे विचारों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन जीने की गतिविधि बताई। भोजन उपरांत मनोरंजक गतिविधि कराई। खुद में बदलाव बुराइयों को बाहर करने के तरीके बताए। संपर्क सुधार एवं दिशा सत्र में मास्टर ट्रेनर ने अपने जीवन में परिवर्तन की कहानियां बताई। प्रतिभागियों को पप्पू यादव, राजेंद्र चौहान, वंदना दीपक गुप्ता, पुष्पा पाठक, हुकुमचंद सांवले, पूर्णिमा दसौधी ने अपने जीवन की घटनाएं बताई। विकास खंड शिक्षा अधिकारी व प्रभारी सीईओ रमेश चंद्र यादव के आतिथ्य में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।